सो हे गाइस, मास्टर शुभम कौशल। और आज के इस वीडियो में यार हम अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ को एटम के साथ कंपेयर करके देखेंगे और कोशिश करेंगे जितने उससे आंसर्स, जितने उससे रहस्य जो छुपे हुए हैं वो हम ढूंढ के। तो यार सबसे पहले सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उसके बीच में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो अब इस चीज़ को अच्छे समझने के लिए कि ये हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, फिल्मी शुभम का एक डायलॉग सुनते हैं। यार जिंदगी में ना तीन तरीके के लोग होते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। पहले वो जो बहुत हंसाते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, खुश रखते हैं। दूसरे वो जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्त होते नहीं हैं, दिखावा करते हैं। जो हमें मोटिवेशन दिखाते हैं कि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बट वो असल में हमें नीचे दिखा रहे हैं, नीचे हमारी पोजीशन को डाउन कर रहे हैं। ये कहकर कि हम तो कर ही लेंगे, या वो कहते हैं तुझसे नहीं होगा या फिर तू कर ही लेगा, तुझे प्रैक्टिस की भी नहीं सकता। ये दोनों ही गलत है। और तीसरे जो ना तो हमें इतना मोटिवेट करते हैं और ना ही हमें नीचा दिखाने की कोशिश। सच बोलते, अच्छा लगे बुरा लगे बस सच बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसा फिल्मी शुभम ने कहा कि जो प्रोटॉन्स है ना वो आपको मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव वाइब्स देंगे, आपको कहेंगे तू कर सकता है, तू कर, ये अच्छे हैं। इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको डीमोटिवेट करना चाहेंगे, आपको डिस्करेज करना चाहेंगे, आप में नेगेटिविटी फैलाना चाहेंगे। अब आप एक चीज़ समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो दो टाइप के होते हैं जो हम में नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं। जो पहला ही टाइप है वो तो सीधा आपको कह देगी तुझसे नहीं होगा, रहने दे, नहीं होगा, छड़, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे बात करती सीधा डायरेक्ट। और ये थोड़े ठीक होते हैं रेदर देन द सेकेंड वन क्या होता है, वो आपको कहेंगे बाद में पढ़ लेना, तू तो कर ही लेगा, या फिर तेरे तो टेस्ट में नंबर आ ही जाएंगे, मेरा पता नहीं क्या होगा। ऐसे लोग जो पहले आपको लगेगा कि पॉजिटिव हैं बट वो बहुत नेगेटिव निकलते हैं। तो ऐसे दोस्तों से या लोगों से स्कूल में या कॉलेज में बच के रहना चाहिए। और दूसरी टाइप होती है यार प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स आपको मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव वाइब्स देंगे, उसकी हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड्स दिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, इनसे मोटिवेशन मिलती है, इनसे काम करने का मन करता है। और ज़रूरी नहीं पॉजिटिव वेव्स जो निकाले वो हमारे दोस्त या फिर सिर्फ, वो हमारी फैमिली भी हो सकती है, हम खुद भी हो सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन भी बन सकते हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में प्रोटॉन्स भी बन सकते हैं। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, या हम अपने आप को कह रहे हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं ये करूँगा, मैं नहीं पंगा लूँगा। अरे पंगा तो लेना पड़ेगा। सो आप अपनी लाइफ में या तो इलेक्ट्रॉन बनो या प्रोटॉन। और जो तीसरा पार्टिकल मेरा फेवरेट है पूरे एटम में, वो है क्या था, क्या, अच्छा ठीक है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मेरा फेवरेट पार्टिकल है, मैं इसका नाम कभी नहीं भूलता। सो न्यूट्रॉन से हमें क्या पता लगता है हमारी लाइफ की सिचुएशन। न्यूट्रॉन जो है वो आपको दोनों साइड्स दिखा के आपको कहेगा जो अच्छा लगता है वो कर। न्यूट्रॉन्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ना तो वो आपको ज़्यादा ही मोटिवेट कर देते हैं, ज़्यादा ही अच्छा अच्छा हर चीज़ की पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, और ना ही आपको हर चीज़ की नेगेटिव साइड दिखा के आपको बहुत ही डिप्रेस कर देते हैं। वो आपको सत्य दिखाते हैं जीवन का, आपको समझ आता है कि ये चीज़ें होती हैं। और वो चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तीनों है बट मेरा फेवरेट है न्यूट्रॉन। सो गाइज मुझे नहीं पता कि आप मोटिवेट हुए या फिर डिप्रेस हुए या इंस्पायर हुए या नहीं मेरे से, बस मुझे इतना पता है कि आज की वीडियो में ना आपने केमिस्ट्री को, एटम्स को एक नए तरीके से देखा जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और मैंने भी इन्जॉय किया। सो यार स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में ना इलेक्ट्रॉन्स होने भी ज़रूरी हैं, उन्हें इतना भी बुरा नज़र से मत देखो, उन्हें अपनी लाइफ में बिल्कुल बाहर निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो लाइफ में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, कभी ना कभी तो नेगेटिव पीपल मिलेंगे। स्कूल भी अच्छा मिल गया, स्कूल में सारे अच्छे दोस्त हैं, कॉलेज में सारे अच्छे दोस्त हैं अगर बाई चांस, बट आपको लाइफ में सारे अच्छे दोस्त मिले इसकी कोई गारंटी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सो अगर स्कूल में है तो उससे कैसे बिहेव करें, उसको कैसे हैंडल करें, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको जल्दी एज में आ गया, छोटी एजेस में आ गया, कॉलेज तक आ गया, फिर आपको पूरी लाइफ में उस चीज़ का रिजल्ट मिलता रहेगा। और केमिस्ट्री में वो कहते हैं ना कि अगर आप एक एटम को पूरा कंप्लीट बनाना चाहते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने बहुत ज़रूरी हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं
तो एटम कंप्लीट नहीं, अगर नेगेटिव पीपल नहीं तो लाइफ कंप्लीट नहीं। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके और कोई नए विचारों के साथ, नए यू नो वैरायटीज़ ऑफ वीडियोस के साथ मैं जल्दी आऊँगा। आप भी यार लाइक शेयर कमेंट करते रहना, चलो शेयर मत करना बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नमस्ते, जय हिंद।